हम यहाँ तक पहुंचे थे सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, जो खजा और उसके बाद में पतझड़ वगैरह का मौसम भी होता है, और ऑटम सीजन इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी, देव बंगाल की तरफ बहती है। कहाँ से? पवन स्थल भागों से लौटकर, तो विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। ये क्या होता है सीजन? दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मौसम के लौटने का। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, तो पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहां पर रेनफॉल होती है इस सीजन में। विश्व में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वर्षा हमने देखा था कि यहाँ पर मौसिन राम, मौसिन और राम ऐसे से हमने हिंट याद रखा था, मौसिन राम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाइएस्ट रेनफॉल, वाइल इन द अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो जैसलमेर इन राजस्थान, यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। मौसिन राम। उसके बाद है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, मौसिम से, जिसका मतलब होता है कि मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। उसके बाद में है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जंगलात को काटते काटते इंसान अपने घर बसाता जा रहा है, और वो क्यों जरूरी हमारे लिए जंगलात इतने ज्यादा? तो देखिए यहाँ पर ये जंगल, ये यहाँ पर ग्राउंड लेयर वगैरह इस तरह से एक पेड़ की बात की गई कि ग्राउंड लेयर है यहाँ पर 1.5 मीटर पे इस तरह से है, और श्रब्स लेयर यहाँ पर बताई जा रही है 5 मीटर, फिर यहाँ पर है। उसके बाद में यंग ट्रीज बताए जा रहे हैं 20 मीटर्स के बाद में, कैनोपी बताई जा रही है 40 मीटर्स, एमरजेंट लेयर और मैक्सिमम हाइट 60 मीटर जो है, तो बताई जा रही है मैक्सिमम हाइट 60 मीटर। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जंगलात हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, ये मुख्तलिफ इनके काम होते हैं, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे पहला तो ये है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस के रूप में हम इनटेक करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। और द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। मिट्टी को क्या होता है कि वो एक जगह पर, अब जैसे कि किसी को कह दिया गया कि जाओ और जाकर मिट्टी को बांध दो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको तागे से बांधना है, कैसे बांधना है, उसके ऊपर कुछ बना के रखना है, कैसे हिफाजत करे। तो मिट्टी जो होती है तो जंगलात की वजह से तहफुज में होती है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो बाइंड कर एक मिट्टी को बांध कर रखी होती है, तो वो जड़े बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सॉइल का उसको। और अगर वो दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जिसको क्या कहा जाता है सॉइल इरोजन, के अपरदन को रोके रखती है, कि इसको अगर हम उर्दू में क्या कहते हैं इसको, सॉइल इरोजन को, तो वो देख लेते हैं। सबको म्यूट इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अनम्यूट करके डायरेक्टली बीच बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। मिट्टी कशरन उसको कहा जाता है, तो Soil erosion. सॉइल इरोजन, मिट्टी कशरन, तो मिट्टी कशरन. ये होगा जमीन, सॉइल इरोजन इस तरह उसका नाम इस तरह से दिया गया उर्दू में। तो ठीक है, इतना काफी था, तो इसके लिए वो जरूरी था, इतना ही था बस। इसके लिए फॉरेस्ट आर नेसेसरी। वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए, वन्य प्राणी, तो बाघ हमारे राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है कि हमारे राष्ट्रीय पशु है, ये देश के विभिन्न भागों पाया जाता है। तो जो टाइगर है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, लायन नहीं है, तो ये याद रखना है, टाइगर है नेशनल एनिमल। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है,
इसके ऊपर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर आता है गुजरात के गिर वन में। तो गुजरात गिर फॉरेस्ट जो है तो गुजरात में वो होम एशियाटिक लायंस वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये लायन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे आसम में आसम के जंगल में घूमते हैं। तो हाथी और एक सींग वाले को क्या बोलेंगे, वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसम। तो ये एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरल एंड कर्नाटका। और अगर हाथियों की बात की जाए तो ये फिर भी और पाए जाएंगे केरल और कर्नाटका में, के में। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस, तो जो कैमल्स है ऊंट और वाइल्ड जो एसेस है मतलब जंगली गधे, तो वो जो है तो फाउंड होते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रेन ऑफ कश रिस्पेक्टिवली। तो इसकी अगर बात की जाए तो हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं, और हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं, और जंगली बकरी भीम तेंदुआ भालू ये सारे जो है तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सा पाए जाते हैं, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, भालू, और उसी तरह से तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बकरी मतलब जो गोट वगैरह है, बकरियां और बकरे, तो ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हिमालयन रीजन्स में। उसके बाद बिसाइड दिस इत्यादि इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नील गाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इनके अलावा बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आर कंट्री सच इज मंकी, वोल्फ, जैकल, नील गाय और चीतल एक्सेट्रा। ये सारे प्रत्येक वर्ष हर साल जो है तो एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं, ताकि वन जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। और क्यों मनाते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स किंगडम। उसके अलावा बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की, प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, तो इनको उर्दू में क्या कहा जाता है, उर्दू में माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिजरत। तो ये हिजरत वगैरह जो होता है, माइग्रेट करना, हिजरत करना, तो ये होता है माइग्रेटरी बर्ड्स। इनकी अगर बात की जाए तो सम बर्ड सजेस्ट पिंटेल डक, तो पिंटेल बदक जो होती है, और उसके बाद में करल्यू फ्लेमिंगो, तो करल्यूस करल्यूस है और फ्लेमिंगो है, ओस्प्रे है, और लिटिल स्टिंट माइग्रेटरो आर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। ये जो है कुछ पक्षी पिंटेल बदक और करल्यू फ्लेमिंगो और ओस्प्रे लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट, तो उसका वे गैस लो एज 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। इतनी दूर से सफर करके ये मेहमान आते हैं, हिजरत करके आने वाला। फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में अब ये सवाल जो आपका सिलसिला चालू होगा तो इसके जवाब आप दे सकते हैं अनम्यूट करके। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज द एरिया विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कि विश्व में सबसे कौन ऑप्शन सा है, थर्ड, नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड, राइट, ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन जो है तो वो सही जवाब है। नेक्स्ट है, वेर आर वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड फाउंड, ये अभी पढ़ा है हमने। राइट ऑप्शन नंबर थर्ड। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए। कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश में किसी को हिंट मिलती है तो किसी को हिंदी में मिल जाती है। फर्स्ट
हिमालयन रीजन, यहाँ पर हिम तेंदुए लिखकर आया है, हिम फॉर हिमालयन में इस तरह हम देखते हैं, क्रॉस चेक करके हमने देखिए यहाँ पर अभी पढ़ा था ये देखिए, वाइल्ड बोर्ड स्नो लिपार्ड फाउंड इन हिमालयन रीजन, इस तरह जिसको हिंदी में बताया गया था कि हिमालय के क्षेत्र में हिम तेंदुआ, तो हिम फॉर हिमालयन, तो ऐसे हिंट वहां पर मिल जाती है कभी कभार। उसके बाद में नेक्स्ट है, वेयर डू वेट विंड फ्लो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनों कहाँ बहती है, आर्द्र पवने कहाँ बहती है, वेयर डू वेट विंड फ्लो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, लैंड टू सी, सी टू लैंड, फ्रॉम प्लेटू टू प्लेन, फ्रॉम प्लेटू टू सी। अब इसमें बे ऑफ बंगाल का जिक्र ही नहीं है एक हिसाब से, उसने डायरेक्ट डायरेक्ट लैंड लैंड टू सी या फिर सी टू लैंड, प्लेटो टू प्लेन या प्लेटो टू सी, इस तरह से आया है, पठार से मैदान, पठार से समुद्र, समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र, इसका जवाब साउथ वेस्ट मानसून है। तो बे ऑफ बंगाल का जवाब उन्होंने नहीं लिखा, जिसको कुछ समझ जाना है, विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, तो टुवर्ड्स द लैंड, तो लैंड की तरफ दौड़ेगी, तो अरेबियन सी से, तो सी से लैंड की तरफ में ऐसे, द विंड कैरी मॉइस्चर विद देम एंड दे स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अपर्स, तो ऐसे भी सवाल आ सकता है। ये क्वेश्चन था यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ, इन द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम डैश एंड डैश टुवर्ड्स द लैंड, तो ऐसे भी सवाल आता है, तो उसका जवाब था सही इंडियन ओशन, यहाँ पर अब बे ऑफ बंगाल नहीं था, क्योंकि ब्लो फ्रॉम यहाँ पर उसका रीजन बताया गया था, साउथ वेस्ट मानसून में विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टुवर्ड्स द लैंड, तो लैंड की तरफ मेन चीज ये बोलना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा सी टू लैंड में, इस तरह समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, कि अगर हम जंगलात की ज्यादा कटाई करें तो इसमें से क्या स्थिति संभावित है, क्या हो सकता है, नियर बाय एरियाज विल बी कूलर, के अतराफ के एरिए ठंडे हो जाएंगे, परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, वर्षा जल की रिसाव कम होगा, या रन ऑफ रेन वाटर विल कैरी अवे सॉइल, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, कि सरफेज वाली जो मिट्टी होती है और वो मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑप्शन सी। रहती, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, इसके हिसाब से जवाब दीजिए, ए बी अगर है तो, अगर आपको लग रहा है कि कूलर नहीं रहेगा तो ए जिसमें आया तो वो कट कर दीजिए, वन और थर्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, अब सी और डी या बी और सी ये देखना है, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4। बी और सी, तो यहाँ पर देखिए बहता, यहाँ पर सबसे हमारे पास में पॉजिटिव जो था वो सी था, और सी दोनों में था, अब डी और बी में जो लोग कंफ्यूज थे, परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा, तो रिसाव से उसका, और ये एक है कि भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज, तो जंगलात की कटाई से ग्राउंड ले वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा ये बोल रहा है, और परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, जल का रिसाव कम होगा का मतलब ऑप्शन क्या, 4 अभी तक करेक्ट आंसर आई थी, कौन सा फोर्थ, ऑप्शन बी एंड सी फोर सेकेंड वन, सी एंड डी, तो हम इसको क्रॉस चेक करते चलेंगे, दो क्वेश्चन दो आंसर्स आए हैं, उसमें और क्या क्या चीजें आती है, तो जिसके अंदर से हमें निकालना होगा, ये सीटेट का 7 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन आया था ऐसे, जिसमें ये पूछा था ऐसे सवाल, ये सवाल पढ़ते हैं,
एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, नियर बाय एरियाज विल बी कूलर, सेम है देखिए, परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, रन ऑफ रेन वाटर विल कैरी अवे सॉइल, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज। अब यहाँ पर है सही जवाब बी और सी वाला, तो बी और सी में क्या क्या था कि परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस और रन ऑफ ऑफ रेन वाटर विल कैरी अवे सॉइल, ये दोनों जवाब जीसस ने दिए तो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, तो इसका डिफॉरेस्टेशन का क्या है कि ह्यूमन हैव टेकन लैंड ऑफ कल्टिव इन ऑर्डर टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन टू बिल्ड हाउसेस, कि मतलब पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो उनको घर बना के देने वगैरह, इंडस्ट्रीज बनाने, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये सारा चीजें से डिफॉरेस्टेशन वो कहलाता है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन कि सॉइल एरोजन क्या होता है, तो अभी हमने देखे थे कि मिट्टी बह जाती है जो, तो इट इज द प्रोसेस इन विच द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज लॉस्ट बाय नेचुरल फोर्सेस ड्यू टू सॉइल एरोजन, द सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, तो उससे क्या होता है जरखेजी कम हो जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर टॉपिक देखे तो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टोर एंड फिल्टर वाटर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सॉइल एरोजन फ्लड्स एंड ड्रॉप, तो यहाँ पर जो है तो सूखा पड़ सकता है, सैलाब आ सकता है, उसकी तरह से जरखेजी बह सकती है, ये सबको बचाने के लिए रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, रेन फॉरेस्ट ये सबको महफूज रखता है। उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन क्या है कि ये जो है तो इनडेंजरिंग रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड, कि डिफॉरेस्टेशन एक हिसाब से खतरे के तौर पर देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड में, कि ड्राइवन बाय लॉगिंग माइनिंग एग्रीकल्चर और रैंकिंग के तौर पर। इसी तरह से रेन फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है कार्बन साइकिल, ग्रीन प्लांट को टेकअप करने कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के हिसाब से एक प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एयर में, तो ये प्रोफाउंड होता है इफेक्ट ऑन रेनफॉल में, और जब ट्रीज कट डाउन होंगे फॉरेस्ट के तो ये एलिमिनेट करेगा, डिक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन में, जिसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल उस एरिया में डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक उसका रीजन है कि उस एरिया में अमाउंट जो कि सवाल में आ रहा है कि रेन वर्षा जल जो है तो कम हो जाएगा, रिसाव कम होगा, उसका मतलब ये था परकुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस, तो वो यहाँ पर एक पॉइंट है। डिफॉरेस्टेशन से ये भी कॉज होगा कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे कि आजकल बढ़ता जा रहा है, और चेंजेस होंगे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के, और उसी तरह से वो बरकरार नहीं रह पाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही टाइम पर, रेनफॉल कब होना है। जनरली क्रिएटिंग इन ड्रायर क्लाइमेट में दिस इम्पैक्ट कैन अफेक्ट सॉइल मॉइस्चर, और इसके अलावा भी जो है तो सॉइल का मॉइस्चर रिड्यूसिंग यील्ड्स, जो है तो फसलें वगैरह कम हो जाएंगी सम एरियाज में, और इंक्रीजिंग करेंगे फ्लड्स इन अदर्स। ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन के टाइम ट्रीज को कट डाउन कराया जाता है और बर्न किया जाता है या फिर अलाउड टू रोट, देयर स्टोर्ड कार्बन इज रिलीज इन द एयर एज कार्बन डाइऑक्साइड और कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का भी है। तो यहाँ पर कूलर होगा तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पर पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू, और ग्राउंड वाटर लेवल विल इंक्रीज, ये फॉल्स हो जाएगा उसका रीजन में, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है। तो हमारा जवाब हो गया बी और सी वाला फोर्थ वन। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया, इसमें से स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो है, जो छोटा सा माइग्रेटरी हिजरत करने वाला बर्ड जो ट्रैवल करके आता है आर्कटिक रीजन ऑफ इंडिया में, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो उसका नाम क्या है, कौन सा है ऑप्शन ये फोर्थ? नंबर 4 सर, ऑप्शन नंबर हाँ लिटिल, लिटिल में ही उसका एक हिंट है, लिटिल स्टेंट, एक बार फिर से जो है तो इसको लिटिल में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप ऑस्ट्रे में, लेकिन अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था लिटिल स्टेट, हाँ जो कि 15 ग्राम का होता है, और पिंटाइल डक वगैरह ये तो एक हिजरत वाले परिंदों के बारे में कहा गया था, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो लिटिल स्टेंट जो है तो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है जिसका 15 ग्राम का वजन है और वो 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंचता है इंडिया में। द होम ऑफ स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड, हिम तेंदुए, अब देखिए फिर से आ गए हिम तेंदुए का घर, हेमिस नेशनल पार्क स्थित कहाँ पर है? तो इसका जवाब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसको क्रॉस चेक भी करते चलेंगे, और कोई जवाब इसका? लद्दाख। लद्दाख आ रहा है कि अब देखिए यहाँ पर अब हेमिस नेशनल पार्क जो है हाई एल्टीट्यूड में है, नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर कभी कभार हिम तेंदुए का आना जैसे कि पहले आया था हमारे पास में जो हमने पढ़ा था, तो ये क्या था कि वाइल्ड गोट एंड स्नो लिपार्ड,
जंगली बकरी तथा स्नो लेपर्ड का हिम तेंदुए, यहाँ पर ही आया था। अब यहाँ पर देखिए उसके साथ साथ में क्या आ रहा है कि स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क की जब भी बात आती है, होम ऑफ स्नो लेपर्ड, तो उसको कहा जाता है लद्दाख। तो इसके लिए अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हिमाचल प्रदेश में करेक्ट आंसर है लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क एक हाई एल्टीट्यूड पर है, नेशनल पार्क ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, और ये जो है तो प्रोटेक्टेड एरिया इनक्लोज है बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर से भी। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। और हम इसके ताल्लुक से भी हेमिस नेशनल पार्क इस लोकेटेड अगर हम ये देखें तो देखिए हेमिस लेह और लद्दाख, लेह में है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ये भी याद रखना है। कभी कभार अगर लद्दाख नहीं आता डायरेक्ट तो आप लेह ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए वेरिस सेमिस नेशनल पार्क, इसके हमें इमेजेस देखनी थी, ये देखिए इस तरह से। और हिम तेंदुए वगैरह स्नो लिपार्ड यहाँ पर ही आ रहा है, ये देखिए स्नो लिपार्ड। जब हेमिस नेशनल पार्क आता है तो जब उसको लेह और लद्दाख आप याद रख ली, और बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। नेक्स्ट देखते हैं गिर नेशनल पार्क एंड सासन गिर सेंचुरी ऑफ गुजरात आर द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इन विच देश आर फाउंड। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन जीव अभयारण्य है जिनमें क्या पाए जाते हैं इनमें से। गुजरात का गिर राष्ट्र गिर नेशनल पार्क एंड सासन गिर सेंचुरी ऑफ गुजरात, तो गुजरात की बात की जा रही है, आर द ओनली वाइल्ड लाइफ के इकलौता वन जीव अभयारण्य है जिनमें इसमें से क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या नंबर थर्ड, वन यस ऑन, सर, थर्ड नंबर। ऑप्शन तो हम इसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे, वन ऑन ट्राइनो। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या आ रहा है, एशियाटिक लायन, द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज सासन गिर। तो इसको दूसरा नाम क्या है, सासन गिर या फिर गिर नेशनल पार्क। और यहाँ पर एशियन लायन की देखिए जिक्र हुआ था, और यहाँ पर क्या है इसके ताल्लुक से कि इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉरेस्ट लोकेटेड इन ताला गिर। कभी कभार तलाला गिर, तलाला यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तलाला गिर कहाँ पर, उसका नाम भी है देखिए गुजर, लोकेटेड कहाँ पर है, तलाला गिर गुजरात में। और ओनली नोन हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन, कि एकलौता हैबिटेट है जो एशियाटिक लायन में आता है, स्टेब्लिश जो हुआ था 1965 में, 1965 में, और वो पार्ट है खातिहार गिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। इसकी अगर हम यहाँ पर बात किया जाए तो ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये इस तरह से, फैमिली ऑफ एशियाटिक लायंस एट गिर नेशनल पार्क। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विच इज द फेमस सेंचुरी फॉर राइनोसोरस एंड इन विच स्टेट इज लोकेटेड। गेंदे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य ऑप्शन कौन सा है, टू, काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। तो देखते हैं इसमें, तो बिल्कुल सही जवाब है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द गोलघाट एंड नेगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम इंडिया। द पार्क विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोसोरस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काजीरंगा इन असम, काजीरंगा नेशनल पार्क, गोलघाट एंड नेगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम इंडिया। तो राइनोसोरस के लिए ये फेमस सेंचुरी है। उसके बाद है, वेयर डज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स, विश्व की सबसे अधिक, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 टू, राम, ऑप्शन टू, ऑप्शन एसेंशियल।
क्या ऑप्शन नंबर 3 कौन सा वाला? है? ऑप्शन तो है ना, मोहसिन राम सर ऊपर भी हम लोग पढ़े थे ना इसका। यस सर, ऑप्शन नंबर 2 मोहसिन राम। बराबर, वो 1, 2, 3 में ऐसे कोई कंफ्यूज हो गए थे, 1, 2 और 3, 4 की सीरीज। तो 1, 2 ऐसा है, तो मोहसिन राम ये एक हिंट के तौर पे हमने ऊपर पढ़ लिया था बराबर। और जब जो सबसे ज्यादा कहाँ पर नहीं होती बिल्कुल, वो कौन सा था? सही है। ऑप्शन नंबर कौन, 2 या 3? 2, ये वाला मोहसिन राम, ये वाला ही। और जहां पर बिल्कुल नहीं होती वो कौन सा पढ़ा था हमने? वो राजस्थान का था, और उसका नाम क्या था? जय से क्या था? जय, जैसलमेर। हाँ, जय सलमा, सलमान, ऐसा कुछ भी याद करके आप याद कर सकते हैं। उल्टा भोजन के घटक, अब देखिए फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज जो है यहाँ पर, के भोजन के घटक, फूड आइटम्स और उनके सोर्सेज क्या है? कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी निश्चित रूप में हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, शहद, और हमें ये सारे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सर्टन रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डेफिनेटली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड सम अदर फूड्स आइटम्स लाइक मिल्क, केक, चिकन, फिश, शम्स, शम्स जो होते हैं मीट, मतलब उसमें शम्स वगैरह, झींगा जिसको कहा जाएगा, मीट, हनी एक्सेट्रा वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। अब अगर बात की जाए कि प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर फूड, के भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है, उसको गौर से देखिए। नहीं, तो पौधे हमारे भोजन का, ये हमने जैसे पढ़ा है, तो यहाँ पर ये एक इमेज दिखाई दे रही है, पुष्प यहाँ पर कहा जा रहा है, पुष्प हो गया, पुष्पा वगैरह से भी याद रख सकते हैं, फल हो गया यहाँ पर, तना, पत्ती, नॉट और इंटरनॉट, कलिका, प्राथमिक मूल, द्वितीय मूल मतलब प्राइमरी मूल मतलब एक जो आएगा उसका नाम, और द्वितीय जो तो सेकेंडरी मूल तंत्र, ये इस तरह से जड़े वगैरह वो सब के ताल्लुक से भी हो सकते हैं। तो इसको एक इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं बाद में। तब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ आर फूड, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, सम ईट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट एज फूड, समटाइम वी ईट द रूट, कभी कभार हम जड़े भी खाते हैं, कुछ जो है तो फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स के मतलब खाने के तौर पर, और कुछ कभी कभार हम जड़े भी खाते हैं, समटाइम्स द स्टेम, और कभी तना भी खाते हैं, एंड समटाइम्स इवन द फ्लावर एज फूड, कभी कभार हम फूल भी खाते हैं फूड के तौर पर। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, कि उनके सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो होते हैं उन्हें उनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तेल और लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और हमारे पास में जो पत्ते होते हैं वो वेजिटेबल के तौर पर, सब्जी के तौर पर यूज होंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, और हमें पत्ते वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, और हम जड़ कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, उदाहरण के लिए सरसों। अब बात करते हैं जर्मिनेटेड सीड्स की, तो अंकुरित बीज जिसको कहा गया जर्मिनेटेड सीड्स, तो मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीजों के जल से भरे एक पात्र में डाल दे तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को ग्लास में रहने दे, उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर रखे और देखिए क्या होता है। तो अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, कुछ तब्दीली है, चेंजेस है? पानी की उपस्थिति से बीज अंकुरित होते हैं, मतलब उसमें फोम निकल आती है, और उसी तरह से कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है, फोम ही निकलना चाहिए। उसके बाद में बीजों से पौधे विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरण या अंकुर का निकलना कहते हैं। अंकुरण के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली सफेद आकार की संरचनाएं जड़ों के रूप में विकसित हो जाती है, कि जड़ों के रूप में वो दिखाई देती है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए भिगो कर रखिए,
नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उसको बिल्कुल भी निकाल लीजिए पानी से, और उसको एक ग्लास में या वेसल में, ग्लास में रख दीजिए। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उसको लपेट कर रखिए कपड़े में गीले, और साइड में रख दीजिए। द सीड जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक प्रोसेस जिसके जरिए हम प्लांट से एक सीड को निकाल पा रहे हैं, उसको जर्मिनेशन कहा जाएगा। और एमर्जेंस ऑफ अ सीडलिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन, द फर्स्ट विजिबल व्हाइट शेप स्ट्रक्चर्स डेवलप एज रूट। तो व्हाइट शेप में हमें जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ रूट था। मन के लिए प्रशिक्षण, टेस्ट फॉर स्टार्च, तो स्टार्च के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का, कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। कि आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें हम डाल रहे हैं उसमें, 2 to 3 ड्रॉप्स। और स्टार्च का हमें एक जो क्या मिलता है, स्टार्च किसमें होता है, आलू में, तो यहाँ पर आलू की इमेज इसको कट किया गया, और यहाँ पर आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें यहाँ पर डाली जा रही है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या काला हो गया है? ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये क्या बताता है, ये मंड मतलब स्टार्च होने की उपस्थिति, कि उसमें स्टार्च है या नहीं दिखता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ओरा रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेंट स्टार्च। तो स्टार्च होने के लिए ब्लू ब्लैक कलर होना जरूरी है, नीला या काला रंग ब्लू ब्लैक कलर का। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अगर हमें प्रोटीन देखना है तो प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट होता है, तो प्रोटीन के प्रशिक्षण के लिए क्या किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है, और उसमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूरन को एक साफ परखंडली में डाल देना है, और इसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह हिला रहे, देखिए इसके सामने से क्या क्या रखा हुआ है, कास्टिक सोडा है और कॉपर सल्फेट एक रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली जिसको कहा जा रहा है, परख नली, तो परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब जो होते हैं, तो उसके अंदर जो है तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा, कॉपर सल्फेट का क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा के, कास्टिक सोडा के 10 बूंद का विलयन डालिए। तो अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। बैगनी रंग का हो गया, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, तो अगर वो बैगनी कलर का हो जाता है तो उसका मतलब है उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, इफ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, तो उसको क्या कीजिए, पीस लीजिए अगर वो सॉलिड है अगर, तो और पेस्ट बनाकर और पाउडर बना लीजिए, ग्राइंड कीजिए, मैश कीजिए एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम में। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में रखिए और ऐड कीजिए 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। यहाँ पर देखते हैं वसा के लिए प्रशिक्षण, फैट अगर मालूम करना है तो टेस्ट उसका क्या है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेना है, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटना है बिल्कुल। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए, रोशनी में क्या इस पर तेल के धब्बे है, अगर तेल के धब्बे है तो उसके अंदर है फैट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड लुक केयरफुली, होल्ड द पेपर इन फ्रंट ऑफ अ लाइट, आर देयर ऑयल स्पॉट्स ऑन इट, व्हाट डू डिफरेंट न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, कि फला में ये चीज है मौजूद, फला में ये है वो है, तो हमें देखते रहते हम, तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, क्या करते हैं हमारे बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, एनर्जी के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा मतलब हमने क्या देखा, वसा से ऊर्जा मिलती है, वसा मतलब कहा गया था, वसा यानी कि ये फैट, फैट से भी एनर्जी मिलती है, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो पिघल कर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है वो फैट, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमें भूख लगती है। द
हम जब रोजा वगैरह भी रखते हैं तो अननेसेसरी फैट घुल कर उससे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीज है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना अगर बात करें उनकी दोनों में, तो वसा जो है फैट उसकी एक जैसी ही मात्रा से हमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन तो बॉडी के लिए कितना जरूरी है कि जितना हमारा वेट है, सपोज किसी का वेट है 60 किलोग्राम, तो उसको दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए चाहिए के हिसाब से। और प्रोटीन ऐसा नहीं कि वो मेडिकल से या प्रोटीन के डब्बे से ही खाया जाए, वो जो है तो हमें चावल से और चावल मतलब गेहूँ वगैरह से, गेहूँ वगैरह अलग अलग चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन युक्त भोजन के प्राय क्या है? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं उसे, जिसको विटामिन रोगों से, और विटामिन से क्या होता है कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर जो डिसीजेज होते हैं बीमारियां, उससे हमारी जिस्म की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों के स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी चीजें भी, मूंगफली, तिल, घी यहाँ पर आए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत बताए जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है गेहूँ से, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज से, पपीते से मिलता है, गन्ना में भी है वो, और आलू शकरकंद में भी है। तो ये सब में कार्बोहाइड्रेट के ये है सोर्सेस। अभी बी देखिए यहाँ पर, मूंगफली, तिल, गिरी, मछली, मांस, अंडे, इनसे हमें क्या मिल रहा है? तो ये है वसा के कुछ स्रोत। जो फैट है, फैट के लिए हमें क्या मिल रहा है? फैट ए पादप स्रोत है और उसके बाद जंतु स्रोत, मतलब ये है कि ये मतलब प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट से। तो ए वाले में क्या है कि जो प्लांट्स के सीड वगैरह से जो चीजें मिल रही है, जैसे मूंगफली से मिल रहा है तेल, तो यहाँ पर मूंगफली का तेल, और यहाँ पर क्या है गिरी या फिर बादाम, तो आमंड ऑयल वगैरह जो मिल रहा है तो ये इससे मिल रहा है, नारियल से नारियल का तेल, तिल हो गई, सरसों का तेल, ये सारे हमें बीजों से मिल रहा है। उसी तरह से जो जानवरों से हमें चीजें मिलती है, तो अब जैसे कि मछली हो गई, तो मछली से हमें फैट मिल रहा है, और मांस हो गया जो गोश्त जिसको कहा जाएगा, तो मतलब नान खलिया खाया है उसमें जो है तो मतलब नलिया थे बड़े बड़े, और ये सारी चीजें तो ये मांस से मिल रहा है। फिर घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, अंडे हो गए, तो ये मुर्गे से मिला। तो ये सारे चीजें किससे मिल रहे हैं हमें? के जानवरों से, एनिमल्स के थ्रू में हमें मिल रहे हैं, गाय दूध वगैरह हो गया, उसके बाद में घी वगैरह निकाला गया, दूध, मक्खन, ये सारी चीजें। तो ये बी था। और अब हमारे पास में दूसरा जो है प्रोटीन के जो चीजें हैं, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे कि अभी बात की गई थी कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए जरूरी होता है, तो ये भी इसमें देखिए प्रोटीन के लिए भी है, ए और बी बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ए में भी प्रोटीन यहाँ पर है बता रहे हो, एक को कॉमन ले लिया उन्होंने शायद, और बी, ए और बी के लिए दूध में बता रहे हैं, और गोश्त, मछली, पनीर और अंडे। और यहाँ पर विटामिन ए के लिए आम हो गया, गाजर, गाजर से विटामिन ए मिलता है बहुत ज़्यादा, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता भी हो गया, जो आंखों की रोशनी जिसको अभी सलामत रखना है तो पपीता और गाजर ज़्यादा खा सकते हो। दूध में भी है, और मछली का तेल यहाँ पर रखा है, जो कि सैल्मन ओमेगा वगैरह के टेबलेट भी मिलते हैं मार्केट में, जो बाद में दिए जाते हैं। वो विटामिन बी के कुछ स्रोत है। तो ये देखिए यहाँ पर गेहूँ है, चावल, याकूत है। कभी भी ये मीटिंग अभी बंद हो जाएंगी, एक ही मिनट रह गया है। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी नींबू, आंवला में, मिर्च, अमरूद में, संतरा, टमाटर के अंदर है विटामिन सी। और विटामिन डी के लिए भी देखिए मछली फिर से आ गई, अंडे आ गए, मक्खन, दूध। विटामिन डी को डिजोल्व होने के लिए भी, जैसे कैल्शियम को डिजोल्व होने के लिए हमें विटामिन डी मिलना जरूरी